हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स, और चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसका नाम था कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इन पर बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिया है, थोड़ा सा इसका रिविजन हम आज करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज की सर्वांग समता। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको गिवन था दो लाइनें कब सर्वांग सम होती हैं। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब भी दो लाइनों की जो लेंथ है वो अगर इक्वल है, लेट सपोज यहाँ पे आपका लाइन ए बी है और इस ए बी लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, तो यहाँ पे दो लाइनें दे रखी है, ठीक है, और इन लाइनों का नाम क्या है, ए बी, और इसका नाम है पी और क्यू, ठीक है। तो दो लाइनें आपस में सर्वांगसम कब होती हैं, जब इन दोनों लाइनों की जो लेंथ है वो इक्वल हो। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये लाइन भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी या फिर सर्वांगसम होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी पिक्चर जब किसी दूसरे पिक्चर को पूरी तरह से कवर कर ले, ठीक है। कवर करने का मतलब ये नहीं है कभी भी छोटी पिक्चर को आप बड़ी पिक्चर के नीचे रखेंगे तो ये जो बड़ी पिक्चर है, बड़ी लाइन है, इसको कवर तो कर लेगी, लेकिन जब आप अपोजिट साइड से देखेंगे तो आपको ये बड़ी वाली फिगर दिखेगी। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि दोनों फिगर को आप चाहे इधर से देखें चाहे दूसरी तरफ से देखें, दोनों क्या होंगी, एक दूसरे को पूरी तरह से कवर करें, सिर्फ एक पिक्चर नहीं, क्योंकि बड़ी पिक्चर हमेशा छोटी पिक्चर को कवर करती है। लेकिन यहाँ कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या कहा जा रहा है कि दो पिक्चर जब एक दूसरे को क्या करें, पूरी तरह से कवर कर लें, तो हम कहेंगे कि वो दोनों पिक्चर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट की बात की थी, दो लाइन सेगमेंट की हमने बात की या फिर दो लाइन की हमने बात की कि दो लाइनें आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, जब वो दोनों क्या है, उनकी जो लेंथ है फिक्स है। तो यहाँ पे ये लाइन नहीं हो सकती है इसको, क्योंकि लाइन तो आपकी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे हम लाइन सेगमेंट की बात करेंगे, रेखाखंड, ठीक है। तो ए और बी क्या होंगे, आपके दो रेखाखंड होंगे, दो लाइन सेगमेंट होंगे जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, पूरी तरह से कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने क्या बात की थी, एंगल की हमने बात की थी कि दो एंगल का मेजरमेंट जब सेम हो, ठीक है, तो वो दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, वो दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है इस एंगल की जो माप है वो 30 डिग्री है और इसका भी 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट का, इस लाइन सेगमेंट का ए बी और सी नाम है और ये है ई एफ और जी, ठीक है। तो ये दोनों कोण जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि इन दोनों की जो माप है, अगर आप इस कोण को इसके ऊपर रखेंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, या फिर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल ए है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट का जो साइन है, यहाँ पे जैसे लाइन ए बी है, लाइन सेगमेंट को आप इस तरह से डिनोट करते हैं ए बी, तो लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, तरह से इक्वल टू के ऊपर से आप इस तरह एस को लेटा दोगे तो ये आपका जो साइन होता है ये आपका कॉन्ग्रुएंट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट है लाइन पी क्यू के, ठीक है। इसके बाद हमने ट्राइंगल पढ़ लिया, अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं। देखिए हमने लाइन पर बात कर दी थी, एंगल पर हमने बात की, और अब हम बात करेंगे किस पर, ट्राइंगल पे। तो देखिए दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया था, पहले तो हमने क्या कहा कि दो ट्राइंगल अगर इस तरह से हैं, दोनों इक्वल मार्क्स के हैं, ठीक है, दो फिगर इस तरह से है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल। तो अगर इस ट्राइंगल की जो सारी भुजाएं हैं और सारे कोण हैं इसके इक्वल हो तो हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसके हमने कुछ नियम पढ़े, क्या क्या हमने नियम पढ़े, उन नियम पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नियम हमने पढ़ा था एस एस एस,
ठीक है। तो एस 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 में हमने क्या पढ़ लिया कि दो ट्राइंगल आपके पास हैं और उन दो ट्राइंगल की जो माप है, उनका जो मेजरमेंट है वो क्या है, तो देखिए यहां पे ट्राइंगल ए बी सी है और ये है ई एफ और जी, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ जी, एफ जी, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इस तरह से हमें दे रखा है। अब हमें इस ट्राइंगल के बेस पे और इसके बेस पे ये बताना है कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, किसके करस्पोंडिंग कौन सी साइड है, ठीक है। तो इसकी करस्पोंडिंग जो साइडे हैं उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली साइड क्या है, ए बी, ठीक है, ए बी, और यहाँ क्या है, ई एफ, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, साइड ए बी जो है ई एफ के क्या है, करस्पोंडिंग है। तो ए बी साइड जो है वो ई एफ के करस्पोंडिंग है, ठीक है। या फिर इसको आप कुछ और मान सकते हैं, ये मैंने एक सिंगल मार्क इस पे लगा दिया है, ठीक है। सेकंड में कह रही हूँ बी सी जो साइड है वो इक्वल होगी इस ई जी के, एफ जी के, ठीक है। देखिए ये सीक्वेंस पे, सीरियल पे आ रहे हैं, इसी तरह से इसका क्या होती है, ये करस्पोंडिंग, इसकी जो करस्पोंडिंग साइडें होती है इसी तरह से होती है। तो यहाँ पे एफ जी, तो देखिए ये साइड आपकी बी सी साइड इक्वल होगी एफ जी के, और इस पर हम डबल मार्क लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे जो ए सी साइड है वो इक्वल होगी, देखिए फर्स्ट और थर्ड और यहाँ पे ई और जी, तो देखिए ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। अब यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल में एस 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 रूल लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है साइड ए बी बराबर है किसके, साइड ई एफ के, और ये साइड है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी साइड है बी सी, बी सी साइड बराबर है एफ जी के, और ये भी आपकी क्या है, एक साइड है, और तीसरी साइड है आपकी यहाँ पे ए सी, और ए सी साइड है आपकी ई जी के, ई और जी के, और ये भी साइड है। तो यहाँ से देखिए अगर एंगल नहीं भी दे रखे हैं, एंगल आपको यहाँ पे गिवन नहीं भी है, तो इन साइड साइड साइड, क्योंकि इस ए बी सी ट्राइंगल के जितने भी करस्पोंडिंग साइड इसमें है ई एफ जी में है, वो क्या है, आपस में इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पे जो है ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और किस नियम से है, पहला जो नियम है एस 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 नियम से, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, ठीक है। अब दूसरा जो नियम हमारे पास है वो है एस ए एस, एस ए एस का मतलब इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं भुजा, कोण और भुजा। एस ए एस यानी कि भुजा, कोण, भुजा, इसका मतलब साइड एंगल साइड भी कह सकते हैं इसको आप, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब देखिए साइड एंगल साइड का मतलब क्या है, यहां पर इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर और इस ट्राइंगल का नाम है ई एफ और जी, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या है, साइड एंगल साइड, यानी कि पहली साइड अगर मैं इस साइड को इस साइड के क्या मान लूं, बराबर मान लूं,
ठीक है, यहाँ पर साइड PQ बराबर है EFK, ठीक है। अब मैं इधर को, इसके बाद क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है। अगर मैं इधर को जाती हूँ तो यहाँ पे ये एंगल आएगा, और इधर को जाते हैं तो यहाँ पे ये एंगल आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। इसको हम मेजर भी कर लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी आपका क्या है, 5 सेंटीमीटर है। सिंगल इस तरह के जो है आपको दो चिन्ह लगा रखे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में क्या है, करस्पोंडिंग है और इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस एंगल को 70 डिग्री मान लूं तो ये भी आपस में क्या होंगे, 70 डिग्री होगा, ठीक है। सेकंड साइड ये वाली है और ये आपकी 6 सेंटीमीटर है, और ये भी आपकी क्या है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों पिक्चर में हम क्या देख पा रहे हैं, साइड PQ। अब देखिए यहाँ पे जब आप लिखेंगे इसको तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे PQ साइड बराबर है किसके, साइड EFK, तो PQ बराबर है EFK। दूसरा यहाँ पे देखिए एंगल P बराबर है एंगल Q के, एंगल P बराबर एंगल E, और दोनों कितने हैं, देखिए यहाँ पे मेजरमेंट भी आपको दे दिया है, ये दोनों 5 सेंटीमीटर हैं और ये दोनों आपस में कितने हैं, 70 डिग्री, ठीक है। और देखिए साइड PR, साइड PR बराबर है किसके, EG के, E और G, और दोनों का मेजरमेंट यहाँ पर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला क्या आ गया है, साइड, साइड ये क्या है, ये एंगल है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, ये भी आपकी साइड है। तो यहां से क्या आपके पास आ गया है कि जो ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR, ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल EFG के, EFG, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे हमारा क्या लग गया है, एस ए एस वाला जो है ये क्राइटेरिया हमारा लग गया है, एस ए एस, ठीक है। इसके बाद हमने जो थर्ड पढ़ा था वो क्या हमारे पास था, थर्ड था ए एस ए, यानी कि पहला आपके पास क्या होगा, एंगल साइड और एंगल, यानी कि आप दो ट्राइंगल इस तरह से बनाएंगे जिसके दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड उनकी इक्वल, तो यहां पे देखिए ये ट्राइंगल आपका एक्स Y और Z इस ट्राइंगल का नाम है और इसका है P, Q और R, ठीक है। तो ये जो नियम आपका है ASA, ये नियम क्या कहता है, यदि किसी ट्राइंगल के दो एंगल और उन जिस साइड पर वो एंगल बने हैं वो इक्वल हो करस्पोंडिंग ट्राइंगल की, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, देखिए लेट सपोज यहाँ पे जो आपका एंगल है वो इसके इक्वल है और ये जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड बराबर है इस साइड के, और इसको हम मेजर भी कर लेते हैं यहाँ पे, लेट यहाँ पे ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, ये 70 डिग्री का एंगल है, ये आपका 60 डिग्री है और ये भी आपका 70 डिग्री है, इसको मैं अगर
4 सेंटीमीटर मानती हूँ, तो ये भी आपका क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में जो है आपका जो एंगल है, एंगल वाई बराबर है एंगल क्यू के, और दोनों आपके 60 डिग्री के एंगल में है। ठीक है, इसके बाद जो है ये जो साइड है एक्स वाई साइड है वो इक्वल है किसके, पी क्यू के। तो यहाँ पे एक्स वाई जो साइड है वो पी क्यू के इक्वल है और दोनों कितने हैं आपके, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, तीसरा जो एक्स एंगल है वो इक्वल है एंगल पी के, एंगल पी के, और दोनों कितने हैं, 70 डिग्री, दोनों आपके 70 डिग्री। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये तो एंगल हो गया है, ये एंगल है। ठीक है, ये आपका क्या है, साइड है, और ये आपका क्या है, अगेन एंगल है। तो फर्स्ट एंगल, सेकंड साइड और एंगल। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एंड आर। तो इस रूल से जो है इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, और इसी का लास्ट क्या है, आर एच एस। ठीक है, तो आर एच एस का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, राइट एंगल। ठीक है, इसका मतलब होता है राइट एंगल, ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये आपकी क्या है, साइड है। ठीक है, तो अगर किसी ट्राइंगल का पहला जो है राइट एंगल की हाइपोटेन्यूज और द साइड इक्वल है किसी दूसरे करस्पोंडिंग ट्राइंगल के, तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए, ये मेरे पास लेट सपोज कोई क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ठीक है, दो राइट एंगल इस तरह से बनी हुई है, इसकी ये साइड है ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्राइंगल हैं। इसका ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है और ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में जो आपकी 90 एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है, और दोनों कितने हैं, दोनों हैं आपके 90 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, जो आपकी एसी भुजा है, जो ये एसी भुजा है वो बराबर है आपके पी आर के, एसी भुजा पी आर के इक्वल है, साइड एसी इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, और ये भी आपकी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये भी आपकी हाइपोटेन्यूज है, या फिर इसको आप कर्ण भी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी कर्ण वाली साइड है।
तो ये जो है आपकी दोनों क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है। यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ ये वाली जो साइड है वो इक्वल है इस साइड के, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि जो साइड आपकी क्या है ए बी, ए बी बराबर कितना है यहाँ पर आर क्यू या क्यू आर, ठीक है। तो ये साइड आपकी क्योंकि क्या है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज वाली साइड है और ये आपकी एक साइड हो गई है, ठीक है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये जो है चार नियम हमने पढ़ लिए किसके, ट्राइंगल के जो है कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी के रूल हमने पढ़ लिए हैं। तो आई होप कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इन रूल पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी, ठीक है, और ये आपका है डी वन, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो क्या हम इन दोनों ट्राइंगल को, क्या इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं कि यहाँ पे दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए सी डी। तो दो ट्राइंगल हमें यहाँ पे गिवन हैं, हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, ठीक है। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो किस नियम से है, किस क्राइटेरियन से आप ये बताएंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ और यहाँ पे गिवन है, ये वाली जो साइड है ये आपकी कितनी है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो ये साइड है ये दे रखी है आपकी 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, और यहाँ पे ट्राइंगल ए सी डी, तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल बी और ट्राइंगल डी, एंगल बी और एंगल डी दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और ये आपको क्या दे रखा है 90 डिग्री, और ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, इस वाले ट्राइंगल की, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दूसरा देखिए, ये जो एसी साइड है या सीए साइड है, ये दोनों साइड क्या है, अब जब मैं इस ट्राइंगल एबीसी की बात करती हूँ, सिर्फ इस ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं सिर्फ इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, तो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ए बी और सी, इस ट्राइंगल में इसकी जो एसी भुजा है ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, यानी कि यहाँ पे ये वाली साइड इसकी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये जो साइड है ये इसकी हाइपोटेन्यूज है, और इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की भी ये जो है 90 डिग्री के सामने का एंगल है, मींस यहाँ पे दोनों ट्राइंगल की एक कॉमन साइड दे रखी है, और क्योंकि वो कॉमन है तो वो इक्वल है दोनों में, ठीक है। एसी का जो मेजरमेंट है वो सेम है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो साइड एसी है वो इक्वल है एसी के,
एसी और एसी का मतलब यहाँ पे ये है कि इस ट्राइंगल का एसी और इस वाले ट्राइंगल का एसी ये दोनों बराबर हैं और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्राइंगल का और ये क्या है कॉमन भी है ठीक है क्योंकि ये दोनों साइडें जो हैं दोनों ट्राइंगल में आती हैं और ये कॉमन है। इसके बाद तीसरी साइड जो है इस ट्राइंगल को देखिए ए डी साइड जो है ए बी के इक्वल है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं साइड ए डी इक्वल टू साइड ए बी ठीक है जो ए बी साइड है और ए डी साइड है ये इक्वल है और दोनों की माप कितनी है 3.6 सेंटीमीटर और ये आपको क्या है गिवन है ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अब यहाँ पे हम ए सी डी नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए ए डी सी क्योंकि यहाँ से हम पहले 90 डिग्री पे एंगल पे गए इधर से 90 डिग्री के एंगल पे गए देन हम इस सी साइड पे आए तो यहाँ से इसका एसी नहीं होगा। हमें इसको पढ़ने का तरीका भी जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनको किस तरह उनकी कौन सी साइड कहाँ पे लिखा जाता है इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए ए ए के बाद 90 डिग्री पे तो ए डी सी इसको हम पढ़ेंगे ए डी सी तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है यहाँ पर एक ट्राइंगल है ठीक है और इस ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया है यहाँ से इसका नाम है P P Q और R P Q R एक ट्राइंगल है ठीक है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ठीक है और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ठीक है। इस वाली भुजा का माप है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसकी जो माप है वो भी कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है क्या ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल ट्राइंगल पी क्यू और यहाँ पे हम इसका कुछ और नाम रख देते हैं एस क्या यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू एस ट्राइंगल पी आर एस के कॉन्ग्रुएंट में है ठीक है। तो यहां से देखिए ये वाली साइड आपकी ये हो गई तो जब हम बात करेंगे ट्राइंगल पी क्यू एस या फिर ट्राइंगल पी एस क्यू तो यहाँ पे जो साइड ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रखा है ठीक है और ये जो S है यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल के लिए तो हम क्या लिखेंगे कि जो एंगल S है वो इक्वल है एंगल S के और ये दोनों 90 डिग्री है और दोनों क्या है यहाँ पे कॉमन नहीं है ये गिवन है आपको ठीक है। क्या रीजन बताएंगे आप इसका कि ये आपको गिवन है ठीक है। इसके बाद जो साइड क्यू आर है साइड क्यू आर इज इक्वल टू साइड पी आर ये आपको कितने हैं 3 सेंटीमीटर और ये भी आपके पास क्या है गिवन है ठीक है। यहां पर क्योंकि ये क्या है ये हाइपोटेन्यूज है ठीक है अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो ये साइड इस साइड के इक्वल है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल है क्यू एस इज इक्वल टू आर एस ठीक है और ये आपकी क्या है साइड है ठीक है।
ये 90 डिग्री का हो गया है एंगल, ये 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको आप कर्ण वाली साइड कहेंगे, ठीक है, ये इसकी कर्ण भुजा है। तो यहां से आप क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल पी पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर एस, पी आर एस, ठीक है। और ये कहां से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस ट्राइंगल का पहला जो है ये 90 डिग्री का है, दूसरा इसका हाइपोटेन्यूज है, और तीसरी इसकी साइड इक्वल है बाय आर एच, ठीक है। तो ये आर एच एस से आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, बाय आर एच एस। तो आर एच एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लगभग कॉन्ग्रुएंट्स के सारे चैप्टर और इस पर जितना भी रिवीजन वर्क था वो हमने कर लिया है। एक्सरसाइज से हम पहले ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं, और आज की क्लास में हमने कम्प्लीटली यहाँ पे रिवीजन वर्क किया है। जो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो सारा हमने आज की क्लास में रिवीजन कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास से आपका नया चैप्टर होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि परिमेय संख्याओं को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद कंपैरिजन करने का है क्वांटिटीज को, बट हम उसको बाद में कराएंगे, क्योंकि आप अभी नंबर सिस्टम को पीछे से पढ़ रहे हैं, इंटीजर्स आप पढ़ के आए हैं, तो क्वांटिटी में आपका चलेगा यहाँ से। तो आप रेशनल नंबर्स को नेक्स्ट क्लास में हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और वहां पे हम उसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ अ ट्राइंगल्स का जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कहीं किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आती है, किसी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आती है, तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।